इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा आज एक निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। निशुल्क जांच शिविर उत्तराखंड परिवहन निगम में बस चालकों के लिए खास तौर पर रखा गया, जिससे उनकी आंखों की जांच हो सके। अगर किसी चालक की नजरें कमजोर पाई जाती हैं तो उनके लिए चश्मों की व्यवस्था भी की जाएगी। उसके अलावा कई और व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। इस दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहित मीणा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही राजकुमार दुबे, कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी मौजूद रहे। तो हमने छोटी सी पहल स्टार्ट करे थे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से कि एक जो ड्राइवर्स हैं उनका आई चेकअप कराए और जिसने ड्राइवरों की जो है नज़र जरा कमजोर दिख रही है उनको हम स्पेक्स वगैरह का जान करें और कोई ट्रीटमेंट वगैरह चाहिए उसके लिए भी जो है हम तैयार हैं। तो इसी पे पहले आप सभी भागीदार का यहाँ पर आने के लिए आपका धन्यवाद। आज आइए फिर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। दो चीजों पे कार्य हुआ है। पहला ऑटोमेटेड हम लोग जो फ्यूल पंपिंग का रहता है हमारा उसको हमने उनके सौजन्य से आज पूर्ण किया है। उम्मीद है कि हम बाकी अपने कभी पंपों भी कर लेंगे। एक छोटा सा नंबर आपको बताता हूँ, आपको इसको शायद इम्पोर्टेंट समझ में आएगी। लगभग 350 करोड़ के आसपास का हमारा फ्यूल का एक्सपेंडिचर होता है। ये नहीं है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं पत्रकार और सभी बंधु लोग कि कई कई जगहों पर से खबरें आती रहती है कि वहां पर से काफी फ्यूल का चोरी हो रही है एंड ऑल दैट। आई डोंट एग्री विद दैट वन, बट फिर भी जितनी भी अगर लगता है कि ऐसा हो रहा है, अगर उसमें 1% की भी कमी आती है तो उसका अमाउंट भी 3.5 करोड़ रुपए होता है। दैट्स ए गुड प्रॉफिट फॉर यूटीसी जो अपने आप को एक प्रोफेशनल वे में आगे डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो उस तरीके से देखें तो हमारे लिए तो काफी एक अच्छी बड़ी उपलब्धि रहेगी कि अगर हम इसको अच्छे से इंप्लीमेंट सभी पेट्रोल पंपों पे और सभी डीजल पंपों पे करते हैं। दूसरा कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पवार में है देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।